अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब दोस्तों को पाकिस्तान के मार्बल के हवाले से और ऑनलाइन ऑर्डर के हवाले से सबसे बड़े चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज की जो वीडियो है वो एक बार फिर जो है मार्बल रिव्यू के हवाले से है, जिस मार्बल पे मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। हमारा जो इलाका है मोहम्मद एजेंसी या पाकिस्तान ले लें, तो ये जो है हमारी मोहम्मद एजेंसी की सबसे पुरानी वेराइटी है और इसका तारीख जो है बहुत ज्यादा पुराना है। अच्छा, पहाड़ तो पुराने है। कहने का मकसद ये है कि जब हमारे इलाके में मार्बल दरियाफ्त होना शुरू हुए तो सबसे पहले जो है ये मार्बल दरियाफ्त हुआ था। ये इसकी तारीख जो है ज़ियारत मार्बल से भी पुरानी है। ज़ियारत मार्बल से पहले जो है ये मार्बल दरियाफ्त हुआ था। इसका नाम है, आपके साथ शेयर करता हूँ, इसका नाम है गुम्बदे। ठीक है, गुम्बदे पे जो है मैंने पहले भी एक साल पहले वीडियो बनाई थी, लेकिन वो दूसरा शेड था, वो दूसरा क्वालिटी था और ये जो है दूसरी क्वालिटी है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि ये जो क्वालिटी है ये भी आप लोग के साथ शेयर किया जाए, शायद आप लोगों को ये वैरायटी पसंद आ जाए। ठीक है, स्पेसिफिकेशन में जाने से पहले इसके ऊपर जो है पानी मारते हैं ताकि इसका जो है एक्चुअल लुक तो हमारे सामने आ जाए। ठीक है दोस्तों, जी दोस्तों, ये दोनों बगैर पॉलिश वाले साइड है। ठीक है, अभी ये इसका एक्चुअल लुक है, एक्चुअल शेड है। इसमें जो है ग्रे शेड भी, हाँ इसका जो बेस है फ्लोर है वो वाइट है, सही है, लेकिन इसमें शेड में जो आप लोग देख रहे हैं इसमें छोटे छोटे दाने भी है, थोड़े से माइनर हल्का फुल्का ग्रीन टचअप भी है, ग्रे टचअप भी है, और आप लोग देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा येलो टचअप भी है, लेकिन ज्यादा येलो डार्क नहीं है, हल्का फुल्का। ठीक है, और ये जो देख रहे ये ग्रे धब्बे, ये भी ग्रे और काले धब्बे भी इसी में जो है शेड आप लोग देख रहे हैं इसी में शामिल है। ठीक है, इसी के शेड में, तो इसका जो एक्चुअल लुक है यही है। लुक इसका काफी यूनिक किस्म का इसका शेड है और इसका नाम है गुम्बदे। काफी पुराना मार्बल है। ठीक है, और सबसे पहले जो है ये वाला मार्बल हमारे इलाके में दरियाफ्त हुआ था। स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मार्बल मजबूत मार्बल, इसमें तो कोई शक नहीं है, बिल्कुल मजबूत है। इसमें क्रैक्स, पानी चूसना, दरार है, ये मसले मसाइल और टेंशन इसमें नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ओवरऑल जो है, जैसे कि मैं अक्सर वीडियो में इसका जिक्र करता रहता हूँ कि हमारे इलाके की मार्बल अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है। इस मार्बल का ताल्लुक भी हमारे इलाके से है। ठीक है, गुम्बदे का एक अलग पहाड़ है, उसमें से जो है एक क्वालिटी निकलता है, दूसरा बी क्वालिटी। एक क्वालिटी पर मैंने पहली वीडियो बनाई थी, ये बी क्वालिटी है। ठीक है, तो जो एक क्वालिटी है वो थोड़ा सुप्रीम है, उसमें शेड तो होता है लेकिन माइनर, बिल्कुल माइनर, वो थोड़ा साफ है। और ये बी क्वालिटी है, इसमें शेड आप लोग देख रहे, इसमें धब्बी भी है, शेड भी है, थोड़ा ग्रीन वगैरह, ग्रे, थोड़ा काला, हल्का फुल्का टच भी इसी में शामिल है। अभी जो है प्राइस के हवाले से बात करते हैं दोस्तों, इसको जो अभी लोकली तरफ प्राइस चल रहा है, लोकली 90 रुपीज इसका प्राइस है चल रहा है। ठीक है, 470 में फुट बाय फुट या फुट बाय फुट साइज में डजन मीटर। अगर कोई कहता है कि हमें थोड़ा सा व्हाइट शेड में मिल जाए, हल्का फुल्का टचअप भी हो, मसला नहीं है, लेकिन अगर आप लोग इसको फ्लोर पर लगाते हैं तो ओवरऑल जो आपका फ्लोर है वो थोड़ा सा गोरा चिट्टा और व्हाइट दिखेगा। ठीक है, ओवरऑल लेकिन इसके ऊपर धब्बे भी है, वो भी जाहिर बात थोड़े बहुत नजर आएंगे। तो मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए जो है रीजनेबल जो है चॉइस भी ठीक है और रीजनेबल प्राइस में है, सही है। तो मैंने ये सुना है कि हमारे के पीके से बाहर ये 180 रुपीज, 190s, ठीक है, 170 रुपीज पर फुट जो है सेल होता है। चूंकि इधर का जो हमारा लोकल इसका कीमत है 90 रुपीज, सिर्फ और सिर्फ 90 रुपीज, 90 रुपीज का कीमत है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे। जल्द दीजिए अल्लाह।